YouTube कम्युनिटी टेम फ्यूचर को एनेबल करने के लिए हमें अभी कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल ही में बहुत सारे चैनल पे जिनके सिर्फ 100 प्लस सब्सक्राइबर है उनके पास भी ये फ्यूचर जो है एनेबल हो चुका है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को बता दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है और ये क्यों एनेबल हो रहा है 100 सब्सक्राइबर में भी, 500 में भी, 300, 400 में भी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। तो कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनमें हमें एकदम ओरिजिनल और एकदम साफ सुथरा कॉन्टेंट देखने मिलता है जो भी चीज का चैनल हो, जैसे कि YouTube पॉलिसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं होता है, YouTube के अगेंस्ट कोई भी एक वर्ड नहीं होता है और किसी के कॉपीराइट म्यूजिक या फिर कॉपीराइट कुछ भी चीज उस पे एडिट नहीं होते हैं। तो वैसे चैनल पे दोस्तों अगर 100 सब्सक्राइबर है या फिर 200 या फिर 500, कम्युनिटी टैब फ्यूचर जो है यूट्यूब एनेबल कर दे रहा है, यानी कि यूट्यूब टीम जब भी उस पर नजर डाल रहा है, जब भी उसकी नजर के सामने आ रहा है ऐसा चैनल, तो वो तुरंत अपना जो है कम्युनिटी टैब फ्यूचर एनेबल कर दे रहा है। वही चलते हुए दोस्तों आप लोग सोचोगे कि यार हमारे वीडियो में भी तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों। आप एक बार सिर्फ YouTube पॉलिसी को पढ़िए तो आप लोग को पता लग जाएगा। और हाँ, आपके में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चैनल भी अगर साफ सुथरा एकदम YouTube गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, तो आपको ये फ्यूचर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और मेरे चैनल पे मत जाइएगा, मेरे चार चार चैनल बड़े बड़े उड़ गए हैं। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस के चैनल पे कितने कितने सब्सक्राइब